हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अन अकेडमी के 6th स्टैंडर्ड चैनल पर। बच्चों, आपके लिए अन अकेडमी लेकर के आया है नया चैनल लैब्स क्रैक सीबीएसई। यहाँ आपके क्लास 6 के सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जल्दी से बच्चों आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी क्लास में आ जाएं। यहाँ बच्चों देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपेयरिंग कराते हैं। टॉप एजुकेटर्स हैं सारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की आपके अच्छे से तैयारी होती है। आपको अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्विज होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, आपके अच्छे से प्रिपेयरिंग कराई जाती है और गुड क्वालिटी कंटेंट है बच्चों। और आपके मैथ्स में अगर कोई भी डाउट होता है तो आपके डाउट सेशन होता है आपका, यहाँ पर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ये अनअकैडमी, पहले जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। जल्दी से आप, अगर जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद वहां पर आप मेरा नाम लिख लीजिएगा। मेरे को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरा नाम है पूजा बत्रा और वहां आप नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जो इससे जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होंगी उनको आप अटेंड कर सकते हैं ना, उसे आप अच्छे से हिंदी में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, जब तक आप आपके फ्रेंड्स आते हैं तब तक मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम पूजा बत्रा है बच्चों। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया है। मेरा हिंदी में एक्सपीरियंस 17 इयर्स का है और मैं यूपीएसएससी के बच्चों को भी एग्जामिनेशन की तैयारी कराती हूँ, हिंदी एग्जाम की उनकी प्रिपेयरिंग कराती हूँ और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। जल्दी से आइए बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से अपने स्कूल फ्रेंड्स को और ट्यूशन फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी आ जाएं। जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट 6 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप मेरा लिंक जो है शेयर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स भी आ जाएं। आपको बच्चों मालूम है कि अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बच्चों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, और आप कैसे हो ना? अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप यहाँ पर टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो जो जिनका अपने सब्जेक्ट पर पूरा कमांड है और क्विज के थ्रू आप अच्छे से प्रिपेयरिंग अपनी करते हो। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो बच्चों, मैथ्स में होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, आप फुल मार्क्स नहीं ला पाते हो, जिसमें उसमें प्रिपेयरिंग आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाती है आपकी। और बच्चों यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आपका डाउट सेशन होता है, यहाँ पर आप डाउट्स अपने पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो अपने डाउट्स, है ना। और यहाँ पर मेन बच्चों आपके लिए क्या फैसिलिटी है कि आपकी जो क्लास है, आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस तैयार किया है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग।
आपका सिक्स स्टैंडर्ड है, तो सिक्स स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट है आपके सिले सीबीएसई के, आपके उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई गई है। जैसे फाइनल आपके एग्जाम होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कराई जाएगी, जो आप अपने क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आ पाए। आपकी रैंक आए फर्स्ट सेकंड में, है ना, जो जिसमें आपके डाउट्स होते हैं आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। बच्चों लाइव टेस्ट होते हैं, क्विज होती है, और आप क्विज के थ्रू देखिए, आप मॉक टेस्ट जब होंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका किस टॉपिक में आपका कमांड नहीं है, किस कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप इनसे पढ़ सकते हो अच्छे से। और मेन थिंग बच्चों, आप ये अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है कि आप कभी बिजी होते हो, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हो, तो उन कि आप उन एजुकेटर्स के आप वीडियोस आप देख सकते हो, जब जब फ्री होते हो तब आप उनके वीडियोस दे सकते हो। वहां पर डाउट सेशन होता है, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो अपना। हेलो दीवी, आप डाउट सेशन होता है वहां पर, डाउट सेशन में आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। क्विज होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और आपके बेसिक जब तक बच्चों अच्छे से नहीं तैयार होंगे, आपको जब तक जैसे हिंदी व्याकरण में संज्ञा, इंग्लिश में आप ले लीजिए नाउन से, जब तक आपको वॉवेल्स वगैरह है, नाउन है, ये जब तक आपको नहीं मालूम हुए, तो आपको ऐसे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश में, मैथ्स में, कैसे आपको जब तक बेसिक से नहीं आएगा कैसे तैयार करोगे, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बच्चों जो एजुकेटर्स हैं आपके बेसिक से तैयारी कराते हैं और आपके सब्जेक्ट्स पर फुल कमांड कराते हैं कि आपके जो लाइव टेस्ट होते हैं उनसे अच्छी से प्रिपेयरिंग आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके एजुकेटर्स हैं, अच्छा आपका नाम सिद्धि है, गुड इवनिंग बेटा, और आप कैसे हो, क्लास 6 में हो। मैं क्लास 6 का ही आज आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, हिंदी बसन से। चलिए देखिए टॉप एजुकेटर्स में बच्चों क्या है, कौन कौन है। कुणाल किशोर सर है हमारे, निकिता मैम है, सृष्टि मैम है, दीक्षा मैम है, हुमेरा मैम है, हिना मैम है, ये आपके। ओके बेटा, ये हमारे एजुकेटर्स जो हैं आपके अच्छे से तैयारी कराते हैं बच्चों। अब आपके फाइनल एग्जाम होंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस टाइम। ओके बेटा, ये आपके भाई का नाम है, ये आपके इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो कोविड की वजह से, तो आपकी प्रिपेयरिंग कराने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर कर दो मेरा, जिससे वो भी क्लास में आ जाए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा बच्चों। कि कॉम्प्रेंसिव सिलेबस में बच्चों आपके साइंस में 6 कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स में 4 कोर्सेज हैं, इंग्लिश में 3 कोर्सेज हैं, सोशल स्टडी में 3 कोर्सेज हैं। आपके फाइनल की अच्छी सी हम लोग मिल करके प्रिपेयरिंग करा सकते हैं। जल्दी से आप क्लास अटेंड करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप भी क्लास में फर्स्ट आए, है ना। और लेकिन अगर आपने सबसे पहले अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। आप बच्चों टेलीग्राम ऐप पर भी मुझे जो है आप ये लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बच्चों आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, देखिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। 1 मंथ का आपके लिए केवल 2,500 का है, आप सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपेयरिंग आप इसमें करते हैं। 6 मंथ्स का देखिए 10,000 का है, और बट आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट। हाँ बेटा, आप हमारे न्यू स्टूडेंट हो, गुड इवनिंग बेटा, और आप कैसे हो बताओ, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह हुए कैसे हुए हैं, आपके आपके यूनिट टेस्ट वगैरह कैसे हुए, यूनिट टेस्ट हो गए आप लोग के, कैसे हुए आप लोग के यूनिट टेस्ट ना। देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का बच्चों लेते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके लिए 13,500 का है, और आपकी अगर पर मंथ इंस्टॉलमेंट बच्चों देते हो तो केवल ये 1,250 रुपीज का है। और आपको कितना चीप बताइए, आप
1250 में आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, आप बाहर जाते हो पढ़ने के लिए, है ना, पढ़ने जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो, और कितना आप एक सब्जेक्ट की फीस देते हो। आप ठीक हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप देखिए, अगर 12 मंथ का, आप 24 मंथ का लेते हो बच्चों, तो 22,500 का है, और आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट 1042 है, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करते हो, है ना। और अगर बच्चों सब्सक्रिप्शन लेने में आप मेरा कोड POJA Pooja01 आप यूज करते हो, तो उस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप अच्छे से तैयारी के लिए, अच्छे से प्रिपेयरिंग के लिए, क्लास में अच्छी रैंक आने के लिए, आप क्या करो, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, और आप मेरी क्लास रोज अटेंड किया करो बच्चों। मेरी क्लास आफ्टरनून में दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक होती है। मैं क्लास 6 को इस समय पढ़ा रही हूँ, आपकी हिंदी की तैयारी करा रही हूँ, हिंदी व्याकरण और हिंदी बसंत आपकी बुक से। और शाम को मेरी क्लास 6 बजे से 7 बजे तक होती है। अपने फ्रेंड्स को भी आप लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी हमारी क्लास में आ जाएं। अब आपको क्लास 6 के बच्चों को कुछ भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी अच्छे से तैयारी कराऊंगी। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं आपकी हिंदी पुस्तक बसंत का, कक्षा 6 की पुस्तक है बसंत। उसमें एक आपका लेसन है, जो देख कर भी नहीं देखते। बच्चों इन आपके पार्ट से, इन सब पार्ट से आपके एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। ये आपके आफ्टर हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी हो गई, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, उसके बाद के लेसन है। इनमें से आपके बच्चों आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको, जब आपको पूरा पार्ट समझाऊंगी तो आपको, हाँ बेटा, इस लेसन में से है, आप ये चैप्टर जब समझोगे, पूरा पार्ट आप समझ जाओगे, तो उसमें से आपको अगर कोई भी प्रश्न आपको एनुअल में आएगा, आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो बच्चों। इसमें से आप क्वेश्चन के अगर आंसर आते हैं, आपको प्रश्न आता है, तो वो भी आप कर लोगे। आपको कोई कोई भी चीज आती है, उसमें से शब्द अर्थ आएंगे, तो आप शब्दों के अर्थ भी आप कर सकते हो। ठीक है? हाँ बेटा है। चलिए इसकी देखिए, आपकी कक्षा 6 की पुस्तक है बसंत, उसमें आपका लेसन है, जो देखकर भी नहीं देखते। जो देखकर भी नहीं देखते बच्चों, ये हमारा निबंध किसने लिखा है, उनकी लेखिका कौन है, हमारी हेलेन केलर। आपको मालूम है बच्चों हेलेन केलर कौन है? कौन थी हेलेन केलर? कितने बच्चों को मालूम है? जल्दी से बच्चों लिंक शेयर कर दीजिए, आपका ये क्लास 6 का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हेलेन केलर कौन थी बेटा? ये हेलेन केलर जो है एक लेखिका थी। मैं आपको पाठ को समझाने से पहले लेखिका के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। हेलेन केलर कौन थी? एक लेखिका थी बच्चों, है ना। और ये आपको मालूम है बच्चों, ये 1.5 वर्ष की आयु में, ये जब 1.5 साल की थी, तो ये देखने, ये ना देख पाती थी और ना ये सुन पाती थी। आपको ये चीज मालूम है? और क्या हुआ था, इनकी जो है देखने और सुनने की शक्ति खो गई थी, ये कुछ नहीं कर पाती थी। और इनका जो है क्या हुआ था, एक इनको बुखार आया था, दिमागी बुखार आया था। इतना बड़ा मतलब हादसा इनके साथ हुआ कि ये ना देख पाए ना सुन पाए। लेकिन आपको मालूम है, 1.5 साल की, 1.5 साल की थी, उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब आजकल आप, मतलब कोई भी बच्चा होता है, जरा से में हिम्मत हार जाता है, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, इन्होंने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसी महिला थी जो इन्होंने देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो है क्या किया, ग्रेजुएशन भी किया। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और आपको मालूम है, ग्रेजुएशन करने वाली ये हमारी 8 से पहली महिला थी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, है ना। और ये फिर भी क्या कहते हैं, ना देख सकती थी, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख, पढ़ना बोलना, और उन्होंने क्या किया, इतने पर भी एक जो है, इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी। इन्होंने अपनी आत्मकथा की जो है एक बुक में लिखी, आत्मकथा इनकी, उसका नाम क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ। अपनी पूरी आत्मकथा, अपना पूरा जीवन की जो स्टोरी होती है, उसे कहते हैं हम आत्मकथा, पूरा आत्म परिचय, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। वो किस में लिखी बच्चों? स्टोरी ऑफ लाइफ में।
वह उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ, उन्होंने यह लिखा। तो ये हमारी पहली महिला थी जिन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन किया था। और यह कहाँ से थी बच्चों? यह अमेरिका से थी। कहाँ से थी? अमेरिका से थी। ये अच्छे से आपको याद हुआ? ठीक है, इनके बारे में आता है, आपसे पूछा जाता है कि हेलेन केलर कौन थी। ठीक है, तो आप बता सकते हो, आपको इनके बारे में मालूम हुआ। और इन्होंने इसके अलावा बच्चों 10 पुस्तकें लिखी और सैकड़ों लेख इनके प्रकाशित हुए। उसके इन्होंने 10 पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 10 पुस्तकें लिखी थी। आप इनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, आपके इस जो देखकर भी नहीं देखते कि लेखिका कौन है हमारी, हेलेन केलर, ये आपके लेसन में पार्ट में पूछा जाता है कि इसकी लेखिका कौन है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं ना, इस कहानी को अच्छे तरीके से समझते हैं। जो देखकर भी नहीं देखते, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूं यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र, प्रिय मित्र, जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? एक मेरी वह कहती है, लेखिका कहती है कि मेरी एक दोस्त है। मित्र का क्या अर्थ होता है? दोस्त। मेरी एक दोस्त थी, वह जंगल में घूमने के लिए गई। जैसे आप ये बताइए, आप घूमे गांव वगैरह गए हैं? अच्छा, आप बता सकती? वेरी गुड। अच्छा, आप कहाँ कहाँ घूमने गए? आप हिल स्टेशन घूमने गए है ना? आप हिल स्टेशन, आप जंगल गए हैं, कहाँ गए हैं? आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं? गांव गए हैं आप घूमने? गांव घूमने गए हैं? कौन कौन बच्चा गांव जा चुका है, हिल स्टेशन गया है? कौन कौन बच्चा गया है घूमने? वहां आपने क्या क्या देखा? आपने आप बताइए, आप हिल स्टेशन गए थे हैं? जो बच्चे हिल स्टेशन गए, आप गए थे, बताइए बच्चों आपने क्या क्या देखा हिल स्टेशन गए? या आप गांव जाते हैं, आप मम्मी पापा का गांव होगा तो आप वहां पर जाते हैं, तो वहां आपने क्या क्या देखा? जल्दी बताइए। आपका पूरा आपका ये वाले पार्ट में यही बताया गया है। आपने क्या क्या वहां पर देखा? आप देखिए, आप गांव जाते हैं तो क्या वहां पर मिलता है? चारों तरफ हरियाली मिलती है ना? आप हिल स्टेशन जाते हैं, वहां पर क्या आपको महसूस होता है? अभी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है ना? तो आप क्या महसूस देखते हैं? आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं ना, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल ही फूल है, आपको अच्छा महसूस होता है। ठीक है, लेकिन लेखिका क्या कहती है कि यह परखने के लिए कि वह देखते हैं, हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद लौटी। वो कहती है कि मेरी एक मित्र है, वह जंगल की सैर करने गई थी और जब वहां से लौटी बच्चों, तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा? आप जंगल गई थी। लेखिका अपनी दोस्त से कहती है कि तुम जंगल घूम करके आई हो, तुमने वहां पर क्या क्या देखा? तो वह उनकी दोस्त क्या कहती है? कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। आप बताइए, आप अगर गांव जाती हैं तो आप क्या क्या देखती हैं, क्या क्या महसूस करती हैं, आपको मालूम होता है ना? आप क्या क्या, अचरज मैंने आश्चर्य। तो जब लेखिका की दोस्त ने ये कहा कि कुछ खास तो नहीं, वहां पर कुछ खास हमने नहीं देखा, तो लेखिका को क्या हुआ? बहुत आश्चर्य हुआ। कोई बात नहीं बेटा, आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो आपको महसूस होता है ना कि आपने क्या क्या देखा। बेटा, आप अगर बगीचे में, आपके गार्डन होगा, गार्डन में आप बगीचे में आप फ्लावर्स लगे रहते हैं है ना, तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है। सुबह आप मॉर्निंग में आप उठते हो, सुबह आप उठते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, तो बाहर का आपको जो एटमोसफेयर वातावरण रहता है, आपको कितना अच्छा लगता है, शांत वातावरण रहता है ना। तो वही देखिए, आप देखिए, जब वह लौट करके आई तो लेखिका पूछती है कि आपने क्या क्या देखा वहां पर। तो वह उनकी दोस्त क्या कहती है, उनकी फ्रेंड क्या कहती है कि वहां पर कुछ खास नहीं था। तो जो लेखिका है उनको आश्चर्य नहीं हुआ। अचरज मैंने क्या होता है बच्चों? आश्चर्य। अचरज का क्या अर्थ है? यह आपका आता है एग्जाम में, अचरज का क्या अर्थ है? आश्चर्य। जो बच्चों कठिन शब्द आते जाएंगे, मैं आपको उनका अर्थ बताते जाऊंगी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड।
हाँ ट्रीज, वेरी गुड। गांव में क्या ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, वेरी गुड। हरा भरा रहता है, हरियाली रहती है गांव में चारों तरफ, है ना, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, हरियाली रहती है गांव में, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वहां पर क्या हुआ, आपको लेखिका को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरीके के उत्तरों से आदी हो चुकी हूँ। वह कहती है कि मैं इस तरीके के जो जवाब देते हैं उनसे मैं अच्छी तरीके से आदी हो चुकी हूँ। मुझे मालूम है कि जिनकी, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। वह कहती हैं बच्चों कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह महसूस भी नहीं करते हैं। जो चीज देखिए हमारे पास बच्चों होती है, आप उसकी कदर नहीं करते हैं, है ना। आपके पास जो चीज है, जो आपको बच्चों कठिन परिश्रम से मिलती है, तो आप उसकी कदर करते हैं कि हाँ ये चीज हमें कठिन परिश्रम से मिली है। और जो चीज आपके पास बच्चों होती है ना, उसकी कदर आप नहीं करते हैं। जो चीज आपके दो, अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, जो चीज आपके दोस्त के पास है और आपको चाहिए, तो आपको वो चीज रहता है कि हाँ हमें ये चीज चाहिए। और आपके पास अगर वो चीज दूसरी चीज है, तो आपको अपने पास जो चीज है बच्चों उसकी कदर नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर जो चीज है हमारे पास बच्चों, उसे हमें महसूस करना चाहिए। लेखिका यही कहती है कि मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम महसूस कम देखते हैं। क्या यह संभव है भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। आप बताइए बच्चों कि आप 1 घंटे आप जंगल में घूमते हैं अगर, तो वहां पर कोई विशेष चीज आपको कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। जल्दी बताइए, आप जैसे गांव गए तो गांव में बच्चों आपने बताया मैंने फ्लावर्स देखे, आपने ट्रीज देखे, है ना, बड़े बड़े पेड़ देखे आपने, वहां पर फ्लावर देखे, आप कदर करते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। हमें कदर करनी चाहिए बच्चों, जो चीज हमारे पास है हमें उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, कदर करनी चाहिए उसकी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि आप घंटा भर अगर जंगल में घूमते हैं तो आपको वहां पर कैसा महसूस होता है, कोई विशेष चीज आपको दिखती है या नहीं दिखती है। जल्दी से बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए मेरा लिंक, वो भी क्लास में आ जाए। ये आपका निबंध बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। जल्दी बताइए कि अगर आप जंगल में घूमते हैं तो आपको कोई विशेष चीज नजर आती है। नहीं बच्चों ऐसा हो सकता है, आप जंगल में घूमेंगी तो आपको चारों तरफ क्या नजर आएगा, है ना, आपको जंगल में चारों तरफ क्या नजर आएगा। हाँ बच्चों आपको क्या लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या लगता है आपको, बहुत अच्छा लगता है। वहां पर आप क्या देखते हो, आप चिड़िया हैं, जानवर हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, हरे आपको पेड़ नजर आते हैं चारों तरफ, है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ लेखिका क्या कहती है कि क्या यह संभव है भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे। आप बताइए, उनकी आंखें थी, है ना, लेखिका की दोस्त की आंखें थी, फ्रेंड की उनकी, लेकिन वह जंगल में गई और उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वहां पर जंगल में कुछ भी उनको पता नहीं चला कि जंगल में क्या है। लेकिन लेखिका क्या कहती है, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। लेखिका आपकी, मैंने बताया आपको कि 1.5 साल में उनकी आंखें जो है चली गई थी, है ना, उनको दिखाई नहीं देता था, उनको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वह क्या करती थी, वो छू कर सब चीज पहचान लेती थी। अर्थात उनके में जो शक्ति थी, देखिए वो छू करके महसूस करके, हमारा छू कर का क्या मतलब है, यहाँ पर महसूस करके वह पहचान लेती थी बच्चों कि यह चीज क्या है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, जो भोजपत्र होता है उसकी जो छाल जो होती है बहुत चिकनी होती है बच्चों, और चीड़ की जो है खुरदुरी होती है। चीड़ का पेड़ सुना है ना, चीड़ का पेड़ आपने सुना है, और भोजपत्र आपने देखा है, भोजपत्र की छाल क्या होती है आपकी, वो बहुत चिकनी होती है उसके पेड़ की, और चीड़ की क्या होती है, बहुत क्या होती है, खुरदुरी होती है। लेखिका कहती है उसके स्पर्श, उसको छू करके ही मैं पता लगा लेती थी, मैं बता सकती थी कि इस यह क्या है, भोजपत्र है, और यह क्या है, चीड़ का पेड़ है। अर्थात मेरी आंखें नहीं है, मैं मेरी आंखें नहीं है, मैं सुन नहीं सकती
लेकिन मुझे क्या कहते हैं, मैं स्पर्श करके, मैं छूकर मैं देख सकती हूँ, मैं छूकर बता सकती हूँ यह कौन सा पेड़ है। लेकिन उनकी तो आंखें हैं, तब उन्होंने जंगल में जा करके कुछ भी महसूस नहीं किया, उनको कुछ नहीं, कुछ स्पर्श से नहीं पता चला कि यह क्या है। उनको किसी तरीके से चारों तरफ हरियाली है वहां पर, उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब देखिए, बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। लेखिका कहती है, जब बसंत आता है, आपको मालूम है नई कलियां आती हैं, जब बसंत आता है तो नई कलियां आ जाती है ना, जो पुरानी कलियां हैं वो गिर जाती हैं, वो क्या होता है, नए फूल आते हैं ना। लेखिका यहाँ पर कहती है बच्चों कि जब वह प्रकृति के बीच में होती हैं, जब वह पेड़ों के हरी भरी हरियाली के बीच में होती हैं, तो चारों तरफ क्या होता है, प्रकृति का सौंदर्य होता है। वह केवल उनको आंखों से नजर नहीं आता है, लेकिन वह क्या, स्पर्श करके, वो महसूस करके वह बता सकती हैं। लेकिन उनकी दोस्त तो क्या, उनकी फ्रेंड तो कहाँ गई थी, वो तो जंगल में घूमने गई थी, जंगल गई थी, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो यह उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिनकी आंखें हैं, उनकी आंखें थी लेकिन उनको इस चीज का महसूस नहीं हुआ, है ना। नेचुरल ब्यूटी जो है, हमारे चारों तरफ प्रकृति है, जो हरियाली है बच्चों, वो उसको महसूस नहीं कर पाई, है ना, वो उसको महसूस नहीं कर पाई। हाँ बेटा, किस चीज का मतलब, आपको मालूम है, तो जो चीज हमें क्या कहते हैं, हमेशा ऐसी चीज पीछे भागने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है, है ना। आप क्या करते हो, जो चीज हमारे पास नहीं है उसके पास, उसके पास भागने की कोशिश करो, और जो चीज हमारे पास है ना, वह चीज, उससे आप संतुष्ट नहीं रहते हो। तो लेखिका यही समझाने की बच्चों कोशिश कर रही हैं कि देखिए, वह छू करके, वह स्पर्श करके सब चीज पहचान लेती हैं। अब बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, जब बसंत आता है, बसंत ऋतु जब आती है, तो टहनियों में नई कलियां आ जाती हैं, है ना। कैसा हो जाता है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने पर क्या मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। क्या मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, उनकी जो मखमली जो फूल हैं, बेटा ये क्लियर करिए, आप क्या पूछ रहे हो। आप क्लियर करो तो मैं बताती हूँ क्या चीज, आप पूछो, जो पूछो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ हर एक चीज को दूसरी चीज से अलग है यहाँ पर, है ना। ये देखिए क्या है यहाँ पर, मैं बोझ, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। जब वह बच्चों फूल को छूती हैं, तो फूल आपका देखिए, उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं कितनी मुलायम होती हैं, मखमली मुलायम होती हैं, है ना। उनको वह छू करके उनको, लेखिका को बहुत आनंद मिलता है। उसको क्या मिलता है, उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। तो उनकी जो दोस्त थी, जबकि जंगल में गई, चारों तरफ हरियाली थी, तो उसको इस आनंद का अनुभव क्यों नहीं हुआ, चारों तरफ हरियाली देखकर भी उसका मन जो है प्रसन्न क्यों नहीं हुआ, है ना, उसको कुछ अनुभव नहीं हुआ। अब देखिए, इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास हुआ, है ना। उनको क्या महसूस हुआ कि हमारी जो चारों तरफ हरियाली है, लेखिका कहती है, जो हमारी चारों तरफ हरियाली है, हमें पेड़ है, फल है, फूल है, हमें भगवान ने जो हमें प्रकृति दी है ना, प्रकृति के चारों ओर कितनी हरियाली है, तो हमें उसका एहसास होता है। लेकिन जो उनकी दोस्त है, उनको घूमने पर भी, जंगल में घूमने पर भी कोई एहसास नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मेरी तो आंखें भी नहीं है, मेरी आंखें नहीं है और मेरे कान भी नहीं है, मैं सुन नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती उसके बाद, है ना। तो
तो उन्होंने इसी पर ही लिखा है बच्चों, जो देख कर भी नहीं देखते, जो हम देख सकते हैं है ना, हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं ना, हम उसको महसूस नहीं करते है ना, जो देख कर भी नहीं देखते। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूं तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। बच्चों लेखिका कहती है कि देखिए कोयल जब कूकती है ना, चिड़िया जब कूकती है तो कितने मधुर स्वर होते हैं। जब आप सुबह जागते हैं तो चिड़िया के जब कूकने की आवाज आती है तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है ना। तो आप बताइए, आप जब जब उनकी दोस्त जंगल में गई तो चारों तरफ चिड़िया कूक रही थी लेकिन उनको जो है इस चीज का एहसास ही नहीं है ना, वह ये बता ही नहीं पा रही कि उन्होंने जंगल में क्या क्या देखा, उनको कैसा अनुभव हुआ। लेखिका कहती है कि देखिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ होती हूँ जो जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो जब चिड़िया कोयल कूकती हैं तो उनके मधुर मीठी मीठी बोलने की आवाजें जो हैं वो उनके कानों में गूंजने लगती हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। झरने का पानी, जब वो झरने का पानी छूती है लेखिका तो उनको बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है बच्चों उसे छू करके है ना। और आप जब उनकी वह उसी से तुलना करती हैं कि जब मेरी दोस्त गई वहां पर तो उसको ऐसा कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ, जैसा मैं तो इतने सालों से देख नहीं सकती हूँ, मैं क्या महसूस नहीं कर, केवल मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं देख नहीं सकती, मैं सुन नहीं सकती है ना। अब देखिए, मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। देखिए चीड़ की, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो हमारे उनको जो बैठना है, चीड़ की फैली पत्तियां हैं बच्चों, उस पर भी अगर वो बैठती हैं तो उनको बहुत खुशी का एहसास होता है, बहुत खुश होती है। जो मुलायम गद्दा होता है उनके कालीन के जैसा देखिए उनको महसूस हो रहा है ना, उनको कैसा महसूस हो रहा है, महंगे कालीन के जैसा, जबकि वो चीड़ की फैली पत्तियां, घास का मैदान, घास पर जब वो बैठती हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा है कि महंगी कालीन से अधिक प्रिय उनको महसूस हो रहा है। तो उनको ये सब स्पर्श करने पर, आप बताइए स्पर्श करने पर लेखिका को इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छे समझ में आया आपको। देखिए, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। जब मौसम बदलते हैं, देखिए गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, तो वह क्या कहती है, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं है ना, जिस तरीके से मौसम बदलते हैं उस तरीके से मेरे जो है जीवन में एक नया रंग भर जाता है और खुशियां भर जाती हैं है ना। लेखिका कितनी खुश है कि वह स्पर्श करके, वह छू करके सब चीज अच्छे से महसूस कर पाती है, और जबकि उनकी जो दोस्त है वह जंगल घूम करके आई और उसको ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ। वह कहती है कि इस प्रकृति में जो हमें ईश्वर ने प्रदान की है ना, हमें ये प्रकृति ईश्वर ने प्रदान जो की है, यह प्रकृति कितनी जादू वाली है ना, कितना जादू है इसमें, यह प्रकृति बच्चों बहुत अच्छी है जो आपको सब चीज हमें प्रकृति ने दी है। आप अगर पेड़ नहीं होते तो क्या आप सांस ले पाते, नहीं सांस ले पाते, आप जीवित नहीं रह पाते है ना। तो बताइए, हमें ईश्वर ने जो हमें ये प्रकृति मिली है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमें जो ईश्वर ने प्रकृति दी है, चारों तरफ हरियाली है हमारे, हमें अच्छा महसूस होता है कितना है ना। तो वहां लेखिका क्या कहती है, हमें स्पर्श करके ये हम मैं महसूस कर सकती हूँ। ये कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। देखिए बच्चों, लेखिका यहाँ पर कैसा महसूस कर रही है कि अगर उनकी आंखें होती, अगर ईश्वर ने उनको जो बीमारी दी थी उससे अगर आंखें नहीं जाती उनकी, तो वह इस प्रकृति को देख करके वह कितनी खुश हो जाती हैं, जिसको वह केवल छू रही हैं, केवल छूती हैं और उनको इतना अच्छा महसूस होता है। और अगर वो आंखों से देखती, चारों तरफ फूल देखती,
आपके पेड़ देखती, चारों तरफ हरियाली देखती, है ना, आप वो चिड़िया की केवल कूकने की आवाज सुन सकती हैं, कोयल के कूकने की आवाज, चिड़िया की आवाजें सुन सकती हैं, अगर वो उनको देख सकती हैं तो वो कितनी खुश हो जाती, वो उनकी सुंदरता को देख करके मन मुग्ध हो जाता, उनका मन कितना खुशी से नाच उठता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, अर्थात जिनकी आंखें हैं वह इस चीज को महसूस नहीं करते कि जो हमें ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने हमें प्रकृति दी है, हमें चारों तरफ ये दिया है हमें कि जिसके द्वारा हम सांस ले पाते हैं, इतनी अच्छी चारों तरफ हरियाली दी है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते। जिनकी आंखें हैं वो इस चीज को नहीं महसूस कर पाते, और मेरी आंखें नहीं है, मैं सुन नहीं सकती, लेकिन मुझे, मैं महसूस कर सकती और मेरा यह सब देखने का बहुत मन करता है ना। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग और उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। बेटा मनुष्य, यहाँ पर लेखिका क्या कहती है, मनुष्य अपनी क्षमताओं की, वह हमेशा उस चीज की आस करता है जो उसके पास नहीं है। जो बच्चों उसके पास है, मनुष्य के पास है बच्चों, है ना, वह उसकी कदर नहीं करता है। आप देखिए, आपके पास बच्चों जो चीज रहती है आपके पास, उसकी कदर आप नहीं करते हैं, और जो चीज आपके पास नहीं रहती है वह उस चीज की आपको आस रहती है कि हमें ये चीज, काश कि यह चीज मेरे पास होती। नहीं बच्चों, इस पाठ से आप सीखिए कि जो आपको ईश्वर ने दिया है हमेशा, आप उसमें संतुष्ट रखिए बच्चों, संतुष्टि रखिए। आप हमेशा अपने से नीचे वाले को देखिए तो हमेशा खुश रहेंगे। आप देखिए बच्चों, आपको ईश्वर ने क्या दिया है, दो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब दिया है आपको, आप देख सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। कोई भी काम बच्चों इस संसार में ऐसा नहीं है जो आप काम नहीं कर सकते। लेखिका कहती है कि इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, है ना। तो आपके पास जो चीज है बच्चों उसकी आप कदर करिए, और जो चीज आपके पास नहीं है उसकी आप आस नहीं रखिए। और हम क्या करते हैं, जो चीज हमारे पास बच्चों नहीं है हम उसी की आस करते हैं, और जो चीज हमारे पास है उसकी हम कदर नहीं करते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। बच्चों देखिए, आप इन्हीं आंखों से, आपको ईश्वर ने आंखें दी हैं, आपको जो आंखें दी हैं, आप दृष्टि, मैंने क्या यहाँ पर है आंखों का, है ना, कितने दुख की बात है कि आपको जो आंखें दी हैं ये आशीर्वाद दिया है ईश्वर ने, और आप इसको साधारण सी चीज समझते हैं। लेखिका कहती है कि मेरे को ईश्वर ने आंखें नहीं दी हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे अगर आंखें मिल जाती तो मैं कम से कम इस प्रकृति को देख सकती, मैं इस हरियाली को देख सकती, मैं फूलों की कोमलता को महसूस कर सकती बच्चों, है ना। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से भरा, हरा भरा किया जा सकता है। बच्चों जो हमें आंखें दी हैं ईश्वर ने, है ना, उससे आप चारों तरफ देख सकते हैं, आप सब काम कर सकते हैं। जिन बच्चों की देखिए आंखें नहीं है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप उनसे पूछिए कि वो कैसे काम करते हैं, है ना। तो जो हमें आंखें दी हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं, तो जो हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट रहे, है ना, हम सब तरफ चारों तरफ प्रकृति का नजारा दे सकते हैं, चारों तरफ जो हमें ईश्वर ने दिया है, हरियाली दी, हरियाली है चारों तरफ, उसी के द्वारा हम, जो हमारे चारों तरफ हरियाली है उसी के द्वारा हम बेटा जीवित है। हाँ बेटा आगे हैं, ये देखिए, अब आपको अच्छे से समझ में आया इस पाठ में से बच्चों, कोई भी आपके प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं। अच्छे समझ में आया कि लेखिका यहाँ पर क्या कहना चाहती है, लेखिका का मुख्य संदेश बच्चों क्या है यहाँ पर, आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिर इस पाठ के आपके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर है जो आपको बताने हैं, ठीक है, जल्दी बताइए। अचरज शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों, ये आपके एग्जाम में भी बच्चों आया था। अचरज शब्द का अर्थ होता है अचानक की आश्चर्य। अचरज मैंने क्या होता है बच्चों,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, जल्दी बताइए आश्चर्य मैंने क्या होता है? आश्चर्य मैंने आश्चर्य होता है कि अचानक होता है। अब आपको बच्चों इस पार्ट से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि इसमें मेन आपके में आता है इस पार्ट की लेखिका कौन है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको इसी पार्ट में से आपको दिए हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अचरज मैंने क्या होता है? आश्चर्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे है। आगे बताइए बेटा, प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति का जादू यहाँ पर किसे कहा है लेखिका ने? आकर्षण को कि विविधता को? जल्दी बताइए, प्रकृति का जादू यहाँ पर किसे कहा गया है? लेखिका ने किसे कहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। प्रकृति का जादू विविधता को कहा गया है, जो हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकृति ने हमें दे रखी है ना, जो हमें ईश्वर ने दे रखा है। प्रकृति के पेड़ हैं, फल हैं, फूल हैं, है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, विविधता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए, जो देख कर भी नहीं देखते निबंध की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान या हेलेन केलर? कौन है ये बच्चों, आता है बहुत। जो देखकर भी नहीं देखते, इसकी हमारी लेखिका कौन है? हेलेन केलर की सुभद्रा कुमारी चौहान? ठीक, इसकी लेखिका है बच्चों हेलेन केलर। वेरी गुड, कौन है हमारी? हेलेन केलर है इसकी। ठीक है, ये आपको प्रश्न बहुत आता है, आपको या तो आपसे ये पूछा जाता है हेलेन केलर जो देखकर भी नहीं देखते कि लेखिका कौन है। ठीक है, इस तरीके से आपको निबंध की लेख, ये निबंध किसने लिखा या इसकी लेखिका कौन है। ठीक, नेक्स्ट बताइए, लेखिका किसके स्वर पर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं? किसकी स्वर, किसकी आवाज वो सुनती हैं, किसके स्वर सुनती हैं कि वो मंत्र मुग्ध हो जाती हैं उस पर? चिड़िया के, मोर के, किसके स्वर पर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं बच्चों? को हेलो कृतिका, हेलो बेटा, और कैसे हो आप? लेखिका किसके स्वर पर बच्चों मंत्र मुग्ध हो जाती हैं? किसके? चिड़िया के, है ना। लेखिका किसके स्वर सुनती हैं? जब चिड़िया के स्वर सुनती हैं तो वह मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। वेरी गुड, आपको अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे बताइए, हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? सन 1880 में कि सन 1886 में? इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? सन 1880 में। हाँ ठीक है बेटा, ये वाला सही था, जल्दी बताइए, चिड़िया के वो वाला आंसर सही था आपका। ये आपके, ये वाला लेसन आपके आपके जो है वार्षिक उसमें परीक्षा में आने वाला है, एनुअल एग्जाम में ये लेसन आएगा। अब इसमें से अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको इस केवल एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, बस आपका ये लेसन जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। हेलेन केलर का बच्चों जन्म कब हुआ था? 1880 की 1886, 1886 की 1880? नहीं बेटा, इसमें किसमें हुआ था? सन 1880 में, 1880 में। अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका आता है प्रश्न। हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? 1880 में। ठीक है, 1880 में। अवधि का अर्थ है बच्चों, अवधि का अर्थ क्या है? समय है कि भाषा है? अवधि जो है ये क्या है हमारा, समय है कि भाषा है? अवधि क्या है हमारी? भाषा है। वेरी गुड, अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवधि, अगर धा में छोटी ई की मात्रा लगी होती तो वो क्या होता है हमारा? समय होता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, 1880 में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हेलेन केलर का हमारे जन्म कब हुआ था? 1880 में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देखिए, अवधि का अगर आगे मात्रा लगी होती तो उसका अर्थ होता समय। अच्छा बताइए, इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नजर कहाँ जाती है? ये अभी मैंने उसमें बताया, आसमान से जा रही रोशनी की तरफ, की दुकानों की ऊपर की मंजिल की बालकनी पर। हाँ बेटा ये भी सही है। अवधि क्या है? हमारा भाषा है। बहुत अच्छे, आपको अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड। इस तस्वीर में जो लेखिका ने तस्वीर दिखाई थी, मैंने अभी आपको लेसन समझाया, तो उसमें तस्वीर बनी हुई थी, है ना, फोटो बनी थी, पिक्चर बनी हुई थी। बताइए, आसमान से जा रही रोशनी की तरफ, की दुकानों के ऊपर की मंजिल की बालकनी की तरफ, कहाँ ऑप्शन है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या है? आसमान से जा रही रोशनी की तरफ, वेरी गुड गुड, बहुत अच्छे। आपके में बच्चों यही बुक चलती है। चलिए आगे देखिए, गली में रात में कौन कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं? ये आपके बुक के प्रश्न हैं जो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। रेडियो पर बजते गाने की पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज, जल्दी बताइए। गली में रात में आप जब सोते हैं तो रात में कौन सी आवाजें सुनाई देती हैं? रेडियो पर बजते गाने की पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज, जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप जब रात में सोते हैं तो किस चीज की आवाज आती है? कौन सी? पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज। रेडियो पर गाने थोड़ी ना बजते हैं, है ना, रात में पुलिस आती है ना, आपको जब डर लगता है चोर आते हैं ना, तो उससे पहले क्या, चारों तरफ क्या पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है आप जब सोते हैं, एक पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज। ये बच्चों हमने आपके लेसन में से ही लिए हैं कि आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। आगे देखिए, लेखिका द्वारा प्रकाशित आत्मकथा है, उन्होंने बच्चों कौन सी बुक लिखी थी? आत्मकथा, आत्म परिचय किसमें लिखा था? मेरी जीवन यात्रा की स्टोरी ऑफ लाइफ, हेलन केलर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें अपनी आत्मकथा लिखी थी बच्चों? मेरी जीवन यात्रा की स्टोरी ऑफ लाइफ कौन सी थी हमारी? स्टोरी ऑफ लाइफ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सी थी? स्टोरी ऑफ लाइफ। ये भी बच्चों आपके उसमें पूछा जाता है एग्जाम में कि लेखिका ने हेलन केलर जी की प्रकाशित आत्मकथा पुस्तक का नाम लिखिए, तो आपको अच्छे से याद हो गया ये, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ, वेरी गुड। अब बताइए, नियामत, नियामत है बे बच्चों, ये नियामत शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर की देन या पतन? नियामत शब्द का अर्थ क्या है? नियामत मैंने क्या होता है, ईश्वर की देन या पतन, क्या होता है इसका अर्थ? बहुत अच्छे, आपने आंसर सही दिया है। क्या होता है? ईश्वर की देन, नियामत, यानी कि ईश्वर की नियामत है, आप कहते नहीं है, ईश्वर की नियामत है हमारे ऊपर, आप क्या, ईश्वर की देन है ना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नियामत का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की देन, ठीक है। और उसमें लेखिका द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है हमारी? स्टोरी ऑफ लाइफ। इसमें से बच्चों जो भी क्वेश्चन आते हैं ये हैं, और आपको जब आपको मैंने लेसन समझाया आपका, उसमें से अगर बीच में से कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको अपने ओन लैंग्वेज में, अपने अपने आप को लिख सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में। आपको मालूम है बच्चों, जब आप अपनी भाषा में लिखते हैं तब भी आपको पूरे पूरे नंबर टीचर्स देती हैं, बस आप जो मेन आंसर है वो आपको लिखना जरूरी होता है, मेन लाइन है वो आप लिख दीजिए तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। और ये आप इसमें से भी आपके ये जो हिंदी बसंत है आपकी बुक, हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी बसंत में से आपके प्रश्न आते हैं, वो ही मैंने उसमें से कराए हैं, और आपको पाठ इसी तरीके से अच्छे से समझा दिया है कि आप अच्छे तरीके से उसमें से तैयार कर पाए। अब बच्चों आप एक काम करिएगा कि मेरे लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, है ना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जिन जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपके हिंदी व्याकरण में मैंने अव्यय पढ़ाया था,
थैंक यू बेटा। और आपके हिंदी व्याकरण में बच्चों मैंने अव्यय पढ़ाया था, आपके फाइनल में ये आपके आएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, जो एमसीक्यूज हैं इसमें से, वह कल मैं स्पेशल क्लास में आपकी, मेरी 11:12 से मेरी कल स्पेशल क्लास है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बच्चों, है ना। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप मुझे, आप मुझसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस लेसन के एमसीक्यूज हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, है ना, अच्छे से तैयारी हो सकती है, उसमें आप पूरे नंबर लेकर के आ सकते हैं। आपका ग्रामर उसमें से ग्रामर पोर्शन का ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है, तो आप मुझे 11:12 से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां बच्चों मेरा कोड ना है POOJA01, POOJA01, ठीक है। आप मुझे वहां पर कल 11:12 पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर हम आपको हिंदी व्याकरण का अव्यय लेसन बहुत अच्छे से तैयार कराएंगे। एमसीक्यूज हैं, आप बताए, हम देखेंगे कि आपको कितना आता है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं दूंगी, फिर उसके बाद में एमसीक्यूज हैं वो, उससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो गेन करेंगे, फिर आप यहाँ पर भी टेस्ट के थ्रू आप बता सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, ठीक है, कितने आपके मार्क्स हैं, कितने परसेंट हैं आपके। तो आप उसके लिए क्या करोगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो आप और उसके बाद मुझे 11:12 पे आप मुझे ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू बच्चों। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, बेल आइकन क्या करिए, प्रेस कर दीजिए। अब मेरा कोड बिल्कुल याद करिएगा POOJA01 और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वह भी कल स्पेशल क्लास में आ जाए मेरे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।